तेरे भजनों को सुनते थे और सुन कर तेरे परचों को हम सपने यही बुनते थे। जो लोग आज बड़े बड़े यहां पर बैठे हैं ना, जो जितने बड़े बड़े श्याम प्रेमी हैं, उनके बचपन की कहानी सिर्फ एक ही है। जब खाटू गए हैं तब बाबा से सिर्फ एक बात बोली है, हमको भी उबारोगे जैसे सबको उबारा है, और घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने बचपन से सुना हमने, मालिक तू हमारा है। घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने सहारा है। अब देखो, जो आम आदमी बैठा है वो तो हाथ नहीं उठाएगा, और खाटू नरेश या श्याम प्यारे या लीले के असवार किसी के लिए हाथ नहीं उठाना है। अब सिर्फ और सिर्फ जो इसे अपना मालिक मानता है वो अपने मालिक के लिए दास बनकर नौकर बनकर हाथ उठाएगा, और जरा सेवा में मिलकर तालियां बजाकर, बचपन से सुना हमने मालिक तू हमारा है। बोलो बोलो, बचपन से सुना हमने मालिक तू हमारा है, घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने सहारा। आओ जरा देखो, ये आपका मालिक है, इसने कैसे बताया, आप मुसीबत में थे, आपका ठीक किया सारा काम, उसके बाद पता चला कि ये मालिक है। आप नौकर हो कैसे पता चलेगा? आओ जरा सेवा में तालियां बजाकर बता दो ठाकुर को कि हम इसके नौकर हैं और ये हमारा मालिक है। मिलकर ताली जिसके काम आया हो जरा तालियां बजाकर बता देना ठाकुर को और कह देना, दर दर मेरा सर ये झुके ना, सोच के दर तेरे आता हूँ। दर दर मेरा सर ये झुके ना, सोच के दर तेरे आता हूँ। तेरे जैसा मालिक पाकर दुनिया में इतराता हूँ। उसको हम नहीं कहेंगे कि आपको तालियां बजानी है, आपको हाथ उठाने हैं या आपको भजन गाना है। आम इंसान ना हाथ उठाएगा, ना तालियां बजाएगा और ना भजन गाएगा। कौन गाएगा? स्वाभिमान से दिखाता हूँ, मैं हूँ नौकर तेरा, तेरी हाजिरी रोज बजाता हूँ। मैं हूँ नौकर तेरा, तेरी हाजिरी रोज बजाता हूँ। ओ मिलती है तनख्वाह जो तुमसे, मिलती है तनख्वाह
मिलती है तनख्वाह जो तुमसे मिलती है तनख्वाह जो तुझसे मैं परिवार चलाता हूँ मैं नौकर तेरा तेरी हाजिरी रोज बजाता हूँ मैं नौकर तेरा तेरी हाजिरी रोज बजाता हूँ। अच्छा सुनो, इतने लोग बैठे उधर बाहर में, ईमानदारी से सिर्फ सवाल का जवाब अगर हाँ हो तो हाथ उठाना, ना हो तो हाथ नीचे। आपके मुसीबत के पलों में, आपके बुरे दिनों में श्याम बाबा ने आपका काम बना के दिया कि नहीं, जिसका आंसर हाँ हो वो हाथ उठा लेना। क्या बात, आधा काम बना के दिया तो आधे हाथ उठ रहे हैं, पूरा बना के देंगे तो पूरे हाथ उठाओ। क्या बात। अब ये बताओ कि आपने अपने मुसीबत के दिनों में इसे याद किया, इसने आपका काम किया। लेकिन मेरा मानना है हम सब ने मुसीबत के दिनों में मुसीबतों को बहुत बुरा भला सुनाया, बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन आज के बाद अगर आप पर मुसीबत आती है तो आप मुसीबतों का धन्यवाद करेंगे और उसके बाद बाबा को बुलाएंगे। क्यों? तूफान जो नहीं आता हम खुद ही संभल जाते, ओ तूफान जो नहीं आता हम खुद ही संभल जाते, तूफान जो नहीं आता हम खुद ही संभल जाते, तूफान जो नहीं आता हम खुद ही संभल जाते, हारे के सहारे हो कैसे हम समझ पाते, ओ हारे के सहारे हो कैसे हम समझ पाते। दिए की लौ पर अपना हाथ इंसान कब रखता है? तब रखता है जब दिया फड़फड़ाता है। जब तक दिया ठीक है तब तक दिए की लौ पे कोई हाथ थोड़ी देता है। जब दिए की लौ फड़फड़ाने लगती है तब हाथ आता है। जब आपके दिन अच्छे हैं तब आप क्या करते हैं? सवामणि करते हैं, कीर्तन करवाते हैं, निशान लेकर खाटू जाते हैं। बाबा आपको देखता है, हंसता है, कहता है मेरा बच्चा खुश है, मैं खुश हूं। तब पता चलता है कि शाम प्यारा है। लेकिन जब आपके बुरे दिन आते हैं, जब आप खाटू जाना तो दूर अपने घर का दरवाजा खोलकर पड़ोसी को नहीं भुला सकते, उस वक्त जब आपके दरवाजे पर खाटू छोड़कर ये आता है तब पता चलता है कि शाम प्यारा तो है लेकिन हारे का सहारा भी है। डोली जब नाव मेरी बन के आया किनारा है, घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने सहारा है, बचपन से सुना हमने मालिक तू हमारा है, घर पे आई मुसीबत दिया तूने। अब यहां से बाहर जाओगे, इतना भजन कर लिया, इतनी तालियां बजा ली, जब यहां से बाहर निकलोगे तो कोई आपसे पूछेगा, कोई नास्तिक इंसान कहेगा मंड में तो इतनी तालियां बजा रहे थे, इतना भजन गा रहे थे, ये बात बताओ जिस भगवान पर इतना विश्वास करते हो वो भगवान है भी या नहीं? वो श्याम बाबा असल में है भी या नहीं? और अगर है तो इसे कहां देखा है? आज तक हो सकता है आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन आज के बाद कोई आपसे अगर कहेगा कि श्याम बाबा है और अगर है तो कहां देखा है, आपके पास जवाब तैयार रहेगा। तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है, हाँ देखा है, तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा है, हाँ तुम्हें भक्तों की बोलो बहते हुए देखा है, जीत बन करके आया तू जब भी राज हारा है, और घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने सहारा है, बचपन से सुना हमने
मालिक तू। एक बार बोलो मेरे साथ, अच्छा भी बहुत है हमें प्यारा भी बहुत है, एक तेरी दुआओं का सहारा ही बहुत है। अच्छा भी बहुत है हमें प्यारा भी बहुत। कई लोग सोचते हैं भैया हम कीर्तन करवाएंगे अपने घर पे तो इतने सारे प्रेमियों को बुलाना पड़ेगा, इतना भंडारा रखना पड़ेगा, कैसे कराएं कीर्तन। जो लोग कीर्तन ये सोचकर नहीं कराते कि हमारा घर छोटा है, वो सुनना, ये और बात है कि घर मेरा कुछ छोटा है, ये और बात है कि घर मेरा कुछ छोटा है। हाँ हमारा घर छोटा है तो तेरे रहने की खातिर दिल हमारा ही बहुत है। अच्छा भी बहुत है हमें प्यारा भी बहुत है, किसको जीने की तमन्ना है उम्र भर मोहन। हाँ किसको जीने की तमन्ना है उम्र भर मोहन, दो पल जो तेरे साथ गुजारा ही बहुत है। अच्छा भी बहुत है हमें प्यार। देखो तालियां बजानी हो तो अच्छे से बजा लिया करो, किस्तों में मत बजाया करो। दोनों हाथ खोल के उस ठाकुर के लिए और जोर से, मन मचल कर मोर होना चाहिए, भजनों का और दौर होना चाहिए, सुनाएंगे तो बहुत से भजनमाज ठाकुर जी को, बस आपकी तालियों में थोड़ा जोर होना चाहिए। बोलिए श्याम है।